हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस ब्लॉग की शुरुआत करेंगे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से। तो यहाँ पर ये उड़द और चने की दाल है, जिसे मैंने रात में पानी में भिगो कर रखा हुआ था। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो सुबह की भाग दौड़ के बीच में मैं यहाँ पर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है इसी वजह से। तो यहाँ पर ये मैंने ली थी एक छोटा ग्लास चने की दाल, आधा ग्लास उड़द की दाल। दोनों दाल को मिक्स करके मैंने रात को पानी में भिगो कर रख दिया था। आप चाहें तो इन्हें 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख सकते हैं। इसके बाद अच्छे से कर साफ कर कर हम इसे पीस कर इसका फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। इसके बाद जो भी घर में मॉर्निंग वाले काम रहते हैं, नहा धोकर पूजा करना, सफाई करना, ये सब कुछ होता है। इसके बाद आपको मैं बता दूं, जैसे कि मैं बता ही रही थी, थोड़ा सा लाइट की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो सोचना पड़ता है कि लाइट आ रही है तो लाओ दाल आल पीस कर रख दूं। और तो दाल वगैरह पीस कर रख दी थी। इसके साथ ही मैं यहाँ पर और भी जो प्रिपरेशन है उनको कर रही हूँ। तो चाय बनने रख दी है, एक साइड कढ़ाई रख दी है, और ये देखिए कितनी जल्दी जरूरत आ गई है। जब से मेरे पास ये हैंड चॉपर आया है, एवरी डे मैं इसे यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये 3 मीडियम साइज की प्याज लिए थे। इनको मैंने हल्का सा दरदरा इसमें पीस लिया है, और इसके बाद मैं इसे दाल में कर दूंगी ऐड। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा अदरक का एक टुकड़ा लिया था, उसे भी मैंने इसी दाल में किया है कद्दूकस, क्योंकि मैंने दाल के साथ नहीं पीसा था। आप चाहें तो हरी मिर्च और अदरक को दाल के साथ ही पीस सकते हैं। और इसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, नमक, साथ ही थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जो खाने वाला मीठा सोडा होता है, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और सभी मसाले डालने के बाद, और थोड़ा सा गरम मसाला, जो हम दरदरा सा एक मसाला कूट कर रखते हैं, मैंने वो वाला डाल दिया है, जिसे हम खड़ा मसाला बोलते हैं। और सभी चीजों को हम अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर अच्छे से मिला दीजिए, जिससे कि मसाले जो है पूरी दाल में काफी अच्छे से मिल जाए। और ये देखिए लाइट आ गई है। लाइट आने से बहुत फर्क पड़ता है किचन में, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा रहता है, तो अब काफी रोशनी सी हो गई है। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हाथ पर थोड़ा सा पानी, और ये दाल वाला जो बैटर है, मिक्सचर है, इसे हम हाथ पर लेंगे इस तरीके से, और दोनों साइड बस हल्का सा चिकना कर होल करेंगे, और इसे हम कर लेंगे कढ़ाई में डीप फ्राई। तो ऑयल मैंने पहले से हाई गर्म किया हुआ है, और देखिए बनाना कितना आसान है, बिल्कुल चिपकता नहीं है। दोनों हाथ पर पानी लगाते जाइए, थोड़ा सा मिक्सचर रखिए, इसे इस तरीके से उलट पलट कीजिए, चिकना कीजिए, होल कीजिए, और कढ़ाई में डाल दीजिए। थोड़ी देर के लिए हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, और जैसे ये थोड़ा सा सिक जाता है, थोड़ी देर के बाद हम इसे केयरफुली उलट पलट कर सेक लेंगे। और पलटने के बाद भी इसे थोड़ी देर के लिए टच मत कीजिए। तो चाय भी बन चुकी है, इधर बनते जा रहे हैं बड़े, साथ ही चाय के साथ आप इसे चटनी के, हरे धनिया की चटनी के साथ खा सकते हैं। सर्दियों में जो लहसुन वाली हम चटनी बनाते हैं ना, उसके साथ तो बहुत टेस्टी लगती है। या और फिर आप बच्चों को टोमेटो केचप के साथ भी खिला सकते हैं। तो जैसे जैसे कढ़ाई में स्पेस होता जा रहा था, और जो भी बड़े सिकते जा रहे थे, उनको मैं निकालती जा रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, आपने स्टार्टिंग क्लिप देखी होगी, लाइट नहीं थी तो कितना अंधेरा अंधेरा रहता है, और लाइट के चक्कर में मैं थोड़े से काम जल्दी कर लेती हूँ, और जिन कामों को भूल जाओ तो फिर पूरा दिन मतलब वो काम पड़े ही रहते हैं। टाइम पर तो वो काम हो ही नहीं सकता है। तो होता है ना कि कुछ ऐसी हो जाती है जिनकी प्रिपरेशन पहले से करके चलो, चाहे वो काम कोई भी हो, ध्यान रखना पड़ता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़े से बड़े बनकर देखिए रेडी हो चुके हैं, कितने टेस्टी लग रहे हैं ना, यम्मी यम्मी। बच्चे तो इन्हें डोनट कहकर बुला रहे थे, और इन्हें बोलते हैं मेदू बड़ा, काफी अच्छे लगते हैं। और अभी जो दाल रह गई है, उसका मैं इसी तरीके से और भी बनाकर रेडी कर रही हूँ। और देखिए रेसिपी वही होती है, जैसे कि हमारे यहाँ एक साउथ इंडियन में बनता है सांबर वड़ा, हमारे यहाँ दही बड़े बनते हैं, और इसी तरीके से बनते हैं मेदू बड़े। बस ये थोड़ा सा रेशियो इनका उलट पलट जाता है। और अभी ब्रेकफास्ट के बाद मैं यहाँ पर ये चादर फोल्ड कर रही थी। बच्चे हैं ना, सुबह इधर से उधर बेड पर घूमते हैं, तो चादर उठाकर ले आते हैं, और काव्या की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो मैडम अपने रिविजन शीट है उसे सॉल्व कर रही है। साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा, मैंने एक मॉर्निंग में अपलोड किया था, उसे पब्लिक करने की कोशिश कर रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ब्रेकफास्ट के बाद, जैसे कि मंडे है तो बच्चों की क्लास, उसके बाद थोड़ा सा मतलब घर के जो काम होते हैं वो, लंच बनाकर फटाफट से मैं गई थी मार्केट, क्योंकि 2-3 बार मैं इनके साथ जा चुकी थी, और इतने दिनों से मेरे अटके हुए काम थे जो कि आज फाइनली पूरे हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ अब एक रह गया है। तो कुछ टेलर के यहाँ काम था, कुछ मार्केट में जैसे दुपट्टा वगैरह मैच कराना था, और भी टुटर पुटर काम थे मेरे, जो मतलब 6-7 शॉप पर मुझे जाना था। तो आज मैंने आफ्टरनून में सारे काम कंप्लीट किए विदाउट रेस्ट, तो मैं थक गई थी इवनिंग में। फिर मैं थोड़ी देर के लिए मतलब आँख लग गई, लेट गई थी,
और अभी शाम के बज रहे हैं 6:30। तो मैं मंदिर से आरती कर कर आई हूँ, मतलब बीच में चाय वगैरह सब कुछ हो चुकी है। तो आज मैंने थोड़ी सी शॉपिंग भी की है। ये वाले मैंने बैंगल्स अभी न्यू परचेज़ किए हैं, और ये वाला मैंने बन पहले से पहना हुआ था तो मैंने इसे ही सेंटर में डाल दिया है। बाद बाकी ये 4 पीसेस का सेट था और ये मुझे मिला था 50 रुपी का मार्केट में। एक और लाई हूँ, मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। दुपट्टा वगैरह लाई हूँ और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं तो नेक्स्ट टाइम शेयर कर लेती हूँ। और काफ़ी दिनों के बाद, मतलब मैं पिछले इतने दिन से ये सोच कर चल रही हूँ कि मेरे जैसे कि कुछ काम होते हैं एंड में फेस्टिवल आते आते वो अटक जाते हैं, मतलब उनको हम पूरा ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, खुद के ऊपर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। तो अभी मैंने देखिए नेल पेंट रिमूव किया है मेरे हैंड से बहुत मुश्किल से, पता नहीं क्यों, मतलब मुझसे इजीली रिमूव नहीं होता है। और मेरे पास ये कॉटन वाइप्स थी इस तरीके के, इसमें पैड निकलते हैं छोटे छोटे इस तरीके के, तो इससे भी मतलब बहुत मुश्किल से रिमूव हुआ है जबकि आसानी से रिमूव कर देता है। साथ ही मैं आप सबके साथ यहाँ पर ये मेरा फेशियल करने जा रही हूँ रूपमंत्रा की। ये है डायमंड फेशियल किट फॉर स्पार्कलिंग एंड रेडियंट स्किन कॉम्प्लेक्शन, और इसमें 5 स्टेप्स दिए गए हैं तो 5 स्टेप्स में ये फेशियल होने वाला है। इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है और मैं आपको दिखा दूँ कि ये इस तरीके से दिया गया है, मतलब कि इसमें छोटी छोटी बॉटल्स हैं और ये जो बॉटल्स हैं सभी पर आपको नंबर मेंशन मिल जाएंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरीके की छोटी छोटी बॉटल्स हैं तो अभी करूँगी ये फेशियल। तो चलिए पहले फेशियल कर लेते हैं, इसके बाद और भी कुछ मुझे आप सबके साथ यहाँ पर शेयर करना है। और इस किट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आप में से कोई भी चेक करना चाहता है तो कर सकते हैं, क्योंकि गाइस अभी स्टार्ट हो चुकी है फेस्टिवल सेल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं करूँगी फर्स्ट स्टेप, इसके लिए मैंने ये क्लिंजिंग मिल्क मतलब कि फर्स्ट स्टेप के लिए ये ले लिया है। और इसकी पैकेजिंग में मैं बोलूँगी आप 2 से 3 बार आराम से अपना फेशियल कर सकते हैं। तो हम इसे 5 to 10 मिनट के लिए अपने फेस पर मसाज करते हुए अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर करने वाले हैं सेकेंड स्टेप स्क्रब, और स्क्रब भी इसका काफी अच्छा है, प्रोडक्ट काफी अच्छा है, क्वांटिटी काफी ज्यादा अच्छी है और बहुत ही आसान तरीके से आप काफी अच्छा फेशियल खुद से कर सकते हैं। पर मैं कर रही हूँ थर्ड स्टेप जेल अप्लाई, काफ़ी अच्छा जेल है और कुछ ब्लू और ट्रांसपेरेंट, जैसे कि इसमें क्रिस्टल का लिखा हुआ था, क्रिस्टल वाली आपकी स्किन डायमंड वाला देने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छा है ये। और इसे कर लेंगे अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई, और प्रोडक्ट काफ़ी मतलब ज़्यादा है, क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आप इस तरीके से घर पर भी पार्लर जैसा फेशियल कर सकते हैं, और ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी फेस्टिवल टाइम आने वाला है, हो सकता है मुझे देखकर आप लोग भी अपने लिए टाइम निकाल लें। और अब तो चलिए फ्रेंड्स 10 मिनट्स हो चुके हैं और यहाँ पर मैं इसे कॉटन की हेल्प से करने वाली हूँ वाइप इस तरीके से। यहाँ पर 4 स्टेप में यूज़ कर रही हूँ फेस पैक। चलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर फेस पैक निकाल दिया है और 4 स्टेप कर लिए हैं कंप्लीट, और ये फेस पैक आपको आपके फेस को काफ़ी अच्छे से ठंडक देने वाला है। 5th नंबर का बचा है ये है मॉइस्चराइजिंग क्रीम, इसे हम फेस पर करेंगे अप्लाई, और इसे हमें तब तक अपने फेस पर मसाज करनी है जब तक कि कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो जाता स्किन के साथ। और इस किट के बारे में मैं बोलूँगी कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है और बहुत अच्छा है, तो आप इसके साथ इजीली जा सकते हो। तो मैंने अपने ऊपर फर्स्ट टाइम इसे यूज़ किया है और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफ़ी अच्छा है। तो हम इसे बस सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए पूरे फेस पर इसे करेंगे अप्लाई। चलिए फ्रेंड्स क्रीम हो चुकी है कम्प्लीटली मेरे स्किन में एब्जॉर्ब। आपको बता दूँ मेरे स्किन पर कुछ भी ऑयलीनेस कुछ भी फील नहीं हो रहा है, बल्कि स्किन बहुत ही सॉफ्ट फील हो रही है, बहुत ही लाइट लाइट सा
हल्का हल्का सा लग रहा है। फेशियल करने के बाद आप लोगों को मेरे फेस पर कुछ चेंज नज़र आ रहा है या नहीं, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना और बताना ज़रूर किस किस ने पहले ये रूप मंत्रा की फेशियल किट यूज़ की हुई है। इन्होंने मेरे लिए कई बार किट्स मंगाई है, मेरे पास रखी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी फिर कभी कि इन्होंने मुझे इतनी बार किट मंगा कर दी, लेकिन मैं खुद का ही फेशियल नहीं कर पाती हूँ। चाहे फेस्टिवल हो, मतलब फेस्टिवल के लिए बोल के मंगाती हूँ लेकिन फिर वो रखी रह जाती है। और होता यही है हाउस वाइफ के साथ कि हम और घर के बहुत सारे काम करते रहते हैं लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो आज मैंने मेरा नेल पेंट रिमूव किया है और काफ़ी दिन से मैं एक नेल पेंट बहुत अच्छा सा यूज़ कर रही थी, तो आप सबके साथ यहाँ पर ये मेरा पिटारा शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ मैंने लगाना भी है, तो सबसे फर्स्ट तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ, आप लोगों को सबको पसंद आने वाली है। तो ये मेरे पास एस क्यू की मिनी लिपस्टिक है और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से आती है, काफ़ी स्मॉल साइज़ की है और जैसे कि हम बहुत सारी लिपस्टिक खरीदते हैं, अलग अलग लिपस्टिक खरीदते हैं और कम्प्लीटली तो यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो आप इस तरीके से लिपस्टिक का मतलब पूरा पैक ले सकते हैं। काफ़ी सस्ता है और अच्छा भी है और इसमें सारे शेड्स हैं, कोई ऐसा शेड नहीं है जो आपको इस लिपस्टिक में नहीं मिलेगा। और यूज़ करना तो सबसे आसान है, मैं बोलूँगी कि जितनी हम बड़ी बड़ी लिपस्टिक लेते हैं तो मैं पिंक शेड ही यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने पिंक पहना हुआ है, तो थोड़ा सा पिंक ही अच्छा लगेगा। इसमें रेड, मतलब ब्राउन, कॉफ़ी सारे कलर हैं, मिनी लिपस्टिक हैं। ये देखिए है ना कितनी अच्छी, और ये मिनी है तो मतलब आप इसको 2-4-6 महीने रेगुलर यूज़ भी करते हैं, तो सारे सेट के साथ आप आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। और जैसे कि हम एक लिपस्टिक लेते हैं काफ़ी महंगी पड़ती है, तो एक लिपस्टिक के प्राइस में आप इस मिनी शैशे को परचेज़ कर सकते हैं और अभी फेस्टिवल टाइम है तो डिस्काउंट काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट मतलब पहले से ही परचेज़ किए हुए हैं, उन सबको भी मैं आप सबके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ क्योंकि अभी जो डिस्काउंट चल रहा है उसमें क्या है कि buy 2 get 2 free buy 3 get 3 इस तरीके के हैं, तो मैं आप सबके साथ यहाँ पर कुछ नेल पेंट शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरे पास ये 4 नेल पेंट हैं इस तरीके से, और मैं आपको बता दूं मैंने जैसे कि हम लोग मार्केट से लाते हैं आपको उससे भी सस्ता प्राइस मिलने वाला है। तो ये 2 शेड है मेरे पास मैट में और इसमें से मैंने दोनों ही यूज़ किए हुए हैं, इसमें से मैंने 2 शेड यूज़ किए हुए हैं, आप लोगों ने मेरे हाथ पर देखे होंगे। तो चलिए आज आपको लगा कर भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके के हैं, और आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगता है तो आप लिंक पर जाकर क्लिक कर वहाँ से इसे इजीली परचेस कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसे अप्लाई। यहाँ पर मैंने कर लिए हैं नेल पेंट अप्लाई और आप नेल पेंट्स के कलर देख सकते हो, ये वाला बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और इसके बाद ये पिंक है, ये स्काई ब्लू है और ये कुछ कॉपर एंड ग्रीन का मिक्सचर इस तरीके से आपको दिख जाएगा। और ये वाले शेड हैं, ये दोनों मैट फिनिश में हैं और बहुत अच्छे हैं। इनके प्राइस इतने मतलब कम में मैंने लिए हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते। जब मैंने इनके रेट देखे थे तो मुझे लगा था कि इससे ज़्यादा कॉस्टली तो मैं मार्केट से परचेज़ करती हूँ, और इससे कम रेट में अगर मुझे ऑनलाइन मिल रहे हैं तो मतलब बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे नेल पेंट मैंने आपको दिखा दिए हैं, जैसे कि अभी आने वाले हैं नवरात्रि एंड इसके बाद करवा चौथ, दिवाली, तो अगर आपको इसमें से कुछ भी पसंद आ रहा है, आप भी इस तरीके से नेल पेंट लेना चाहते हैं, तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सभी नेल पेंट के। तो ये 2 मैंने ये वाले यहाँ पर यूज़ किए थे और इसके बाद मेरे पास है ये 4। तो ये जो आपको सेम दिख रहे हैं, ये वाला ट्रांसपेरेंट है, ये स्काई ब्लू वाला है और ये ग्रीन एंड कॉपर शेड का है, ये पिंक शेड में है। तो ये जनरली मतलब ये वाले शेड सभी काम में ही आते हैं, तो आपने देख लिया है कि ये वाले नेल पेंट कैसे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गया मेरा फेशियल, साथ ही साथ मैंने शेयर कर दिए हैं आप लोगों के साथ यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट। फ्रेंड्स करेंगे इस वीडियो को एंड क्योंकि अभी मेरा भी सारा काम फिनिश हो गया है, किचन क्लीन हो गया है और डिनर वगैरह सबका हो चुका है, और बीच में मैं भूल गई थी कि मुझे क्लिप लेनी थी, तो सबका खाना पीना हो गया। और आज मैंने बनाई थी हमारे यहाँ की फेमस रेसिपी दही के आलू, और मेरा फेस मुझे अभी से ही थोड़ा थोड़ा शाइन करते हुए दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा था फेशियल किट।
और भी मैंने आपके साथ बहुत सारे प्रोडक्ट शेयर किए हैं, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर चल रहे हैं काफ़ी अच्छे ऑफर और आने वाले हैं फेस्टिवल, तो आप सबके लिए भी थोड़ा सा ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो अभी आने वाला है फेस्टिवल, तो फेस्टिवल की तैयारियों में होता क्या है कि अगर आप पहले से तैयारियाँ करके चलोगे ना, तो फिर एंड में आके सारे काम आपके फिनिश हो जाएंगे। हो गई सारी तैयारियाँ और अभी जो प्रोडक्ट मेरे पास है, तो अब मुझे नहीं लगता कि कुछ अलग से न्यू खरीदने की ज़रूरत है। और जो भी कुछ खरीदूंगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, शेयर करना। और देखिए, हाउसवाइफ होती है ना, वो घर परिवार सब कुछ देखती रहती है, लेकिन खुद को देखना भूल जाती है, तो खुद के लिए तो टाइम होता नहीं है, तो उसे निकाल लीजिए अभी से ही। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।